हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिपसेट लाइनअप में से सबसे ज्यादा बेस्ट चिपसेट को, जो कि है स्नैपड्रैगन 865+। एंड यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे उसको एप्पल के बायोनिक चिपसेट के लाइनअप में से A13 बायोनिक चिपसेट से, एंड देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों के लॉन्च डेट की। यहाँ पर जो A13 बायोनिक चिप है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है सितंबर 2019 में, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865+ जो है वो यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुआ है जुलाई के महीने में 2020 में। तो यहाँ पर टेक्निकली 865+ जो है लेटेस्ट चिपसेट है। बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक चिप स्लाइटली बेटर है बिकॉज ये यहाँ पर बेस्ड है 7nm+ के फैब्रिकेशन पे, जबकि यहाँ पर 865+ बेस्ड है 7nm के फैब्रिकेशन पे। तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर हमें फैब्रिकेशन मिलता है A13 बायोनिक चिप में, एंड यहाँ पर हमें थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से स्लाइटली जो परफॉर्मेंस है बेटर हमें मिलेगी A13 बायोनिक में। बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक चिप का हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है रैम के मामले में। यहाँ पर एप्पल कभी भी अपने रैम के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जबकि यहाँ पर 865+ में हमें मिल जाता है क्वाड चैनल 16GB तक जाने वाला LPDDR5 का रैम, जो कि 2750 MHz पे क्लॉक्ड है। बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक चिप में हमें मिल जाता है NVMe, ऑन दी अदर हैंड हमें 865+ में मिलता है UFS स्टोरेज का सपोर्ट, जो कि 3.0 वाला वर्जन है। तो यहाँ पर A13 बायोनिक चिप हमें काफी ज्यादा बेटर हमें स्टोरेज सपोर्ट करके देता है, तो यहाँ पर स्टोरेज के मामले में A13 बायोनिक चिप जीतता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के AI इंजन की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक में हमें मिलता है न्यूरल इंजन या फिर न्यूरल प्रोसेसर यूनिट आप कह सकते हो, जबकि यहाँ पर 865+ में हमें मिल जाता है 5th Gen AI इंजन, जहाँ पर हमें 15 TOPS मिलता है जो कि काफी ज्यादा होता है। एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन काफी हद तक बेटर हमें AI परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर मशीन लर्निंग भी काफी ज्यादा हद तक बेटर है 865+ में, तो यहाँ पर न्यूरल प्रोसेसर के मामले में स्नैपड्रैगन 865+ जो है बेटर निकल के आता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों में ISP की या फिर इमेज सिग्नल प्रोसेसर की, तो यहाँ पर दोनों में हमें काफी हद तक अच्छा ISP मिलता है। यहाँ पर जो सेंसर सपोर्ट्स है वो काफी हद तक ज्यादा हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865+ में। यहाँ पर ये सपोर्ट करता है 200 MP तक के सिंगल सेंसर को, एंड यहाँ पर मल्टी कैमरा लगाया जा सकता है 30 MP का, जबकि यहाँ पर A13 बायोनिक सपोर्ट करता है 12 MP के सिंगल सेंसर को, एंड यहाँ पर ड्यूअल कैमरा अप टू 12 MP तक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सेंसर सपोर्ट ज्यादा है हमारे 865+ में, बट ऑल ओवर जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी हद तक ज्यादा है A13 बायोनिक में। अगर आप दोनों के चिपसेट से फोटोग्राफी करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि A13 बायोनिक चिप ज्यादा हद तक ऑप्टिमाइज्ड है एंड काफी ज्यादा बेटर हमें फोटोग्राफी देता है। एंड यहाँ पर एप्पल जो है अपने चिप को भी खुद बनाती है एंड अपने फोन्स को भी खुद ही बनाती है, तो अपने फोन में खुद के ही चिप लगे होने की वजह से वो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकती है अपने फोन को अपने चिप के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि हमें एप्पल के फोन्स में जो फोटोग्राफी है काफी ज्यादा हद तक बेटर मिलती है। बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865+ जो है काफी हद तक बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर ये 8K तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पे, एंड यहाँ पर ये 4K HDR तक के वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता है 60 FPS पे, जबकि यहाँ पर A13 बायोनिक सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है 4K HDR वाली वीडियो को 60 FPS पे। तो हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया जा सकता है 865+ के साथ में, जबकि यहाँ पर A13 बायोनिक भी काफी ज्यादा अच्छा ही है, बट कंपैरेटिवली 865 बेटर है। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक में हम लगा सकते हैं 4K तक के रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले को, जो कि HDR के साथ में आएगा। यहाँ पर अभी तक से हमें ये पता है कि 60Hz के पैनल को सपोर्ट करता है, 90Hz 120Hz के ऊपर कोई भी लीक या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अभी तक यही जानते हैं कि 60Hz के पैनल को लगाया जा सकता है A13 बायोनिक के साथ में, जबकि यहाँ पर 865+ में हम 4K तक के पैनल को लगा सकते हैं जो कि 60Hz पे काम करेगा। QHD+ तक के पैनल को भी लगाया जा सकता है जो कि 144Hz पे काम करेगा, एंड यहाँ पर भी हमें HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के मॉडल की, तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865+ हमें ऑफर करता है 5G मॉडेम, जबकि यहाँ पर A13 बायोनिक में हमें 5G मॉडेम नहीं मिलता अभी तक एप्पल के कोई भी रीसेंट या फिर पहले के चिपसेट में या फिर मोबाइल फोन्स में 5G सपोर्ट नहीं मिलता। अभी फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में 5G आता है या फिर नहीं आता है, बट अभी तक कोई भी डिवाइस 5G सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मॉडेम में 865+ में हमें बेटर डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है एंड बेटर हमें अपलोडिंग स्पीड मिल जाती है काफी हद तक। इवन ये चिपसेट है फ्यूचर प्रूफ है बिकॉज हमें यहाँ पर 5G भी मिल जाता है। बात करते हैं दोनों के एंट्रोडो एंड गिगबेंच की। वैसे मैं एक बात क्लियर कर लूँ, यहाँ पर टेक्निकली क्रॉस प्लेटफॉर्म को कंपेयर करना कोई भी सिंथेटिक बेंचमार्क के ऊपर
एकदम ही एक्यूरेट सही नहीं होता, यहाँ पर थोड़े बहुत जो है 19-20 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एकदम ही परफेक्टली इसको अपने माइंड में बिठा मत लीजिएगा, बस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसको यूज कर सकते हो। बट ये जो सिंथेटिक मार्क्स है, इससे कोई भी परफॉर्मेंस आप ऐसे कह नहीं सकते कि यही बेटर है, इसमें 10 मार्क्स ज्यादा आए हैं या फिर ये कम बेटर है, इसमें 20 मार्क्स कम आए हैं। ये बस एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो, बाकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस में ही आपको पता चलेगा कौन सा ज्यादा बेटर है कौन सा नहीं है। उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे वीडियो में, हम पबजी परफॉर्मेंस की बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर 865 प्लस जो है एंटीडू में काफी हद तक बेटर स्कोर कर लेता है, बट यहाँ पर गीकबेंच में A13 बायोनिक चिप काफी हद तक बेटर स्कोर करता है सिंगल कोर में, एंड मल्टी कोर में स्लाइटली बेटर स्कोर करता है A13 बायोनिक चिप। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के पबजी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोनों में ही काफी हद तक बेटर हमें पबजी परफॉर्मेंस मिल जाती है। यहाँ पर हमें A13 बायोनिक में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग मिल जाती है, एंड इवन यहाँ पर हम HDR प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग में भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर दोनों में हमें कॉन्स्टेंटली 60 FPS मिलते हैं, HDR प्लस एक्सट्रीम में हमें लगभग 58 से लेके 60 FPS मिलते रहते हैं, जो कि काफी हद तक स्टेबल है, कभी भी FPS ज्यादा ड्रॉप नहीं होते, 55 के नीचे तो कभी जाता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर 865 प्लस में भी हमें सेम सिनेरियो मिलता है, यहाँ पर भी हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग में कॉन्स्टेंट 60 FPS मिलते हैं, एंड यहाँ पर HDR प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग में ये रेयरली 55 टच करता है, मोस्टली ये 58 से लेकर 60 FPS के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पर रियल लाइफ गेमिंग में हमें दोनों में ही काफी ज्यादा इक्वल परफॉर्मेंस मिलता है। फ्यूचर में जैसे ही और भी ज्यादा पावर हंग्री गेम आने लगेंगे, तब हमें पता चल सकता है कौन सा ज्यादा बेटर है कौन सा नहीं है, बट फिलहाल तक के लिए PUBG को दोनों ही चिपसेट काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU की, तो यहाँ पर A13 बायोनिक में हमें 6 कोर मिलते हैं, ये एक हेक्सा कोर CPU है। ऑन दी अदर हैंड हमें 865 प्लस में ऑक्टा कोर मिलते हैं, यहाँ पर हमें 8 कोर्स मिलते हैं। A13 बायोनिक चिपसेट के पहले क्लस्टर में हमें दो हायर परफॉर्मेंस वाले कोर मिलते हैं, जो कि लाइटनिंग कोर्स है, जो कि बेस्ड है 2.65 GHz पे। एंड यहाँ पर सेकेंड क्लस्टर में हमें 4 कोर्स मिलते हैं, जो कि थंडर कोर्स है, क्लॉक्ड एट 1.8 GHz। बात करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 के CPU की, तो यहाँ पर हमें 3 क्लस्टर मिलते हैं। यहाँ पर पहले क्लस्टर में हमें एक कोर मिलता है जो कि प्राइम कोर है, क्लॉक्ड एट 3.1 GHz, ये कॉर्टेक्स का A77 वाला कोर है। सेकंड क्लस्टर में हमें 3 कोर मिलते हैं जो कि कॉर्टेक्स के A77 वाले कोर्स है, क्लॉक्ड एट 2.42 GHz, एंड लास्ट में हमें 4 कोर्स मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जो कि कॉर्टेक्स के 55 वाले कोर्स है, क्लॉक्ड एट 1.8 GHz। तो यहाँ पर टेक्निकली हमें ज्यादा कोर्स मिलते हैं, हमें ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलती है 865 प्लस में, बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस में हमें स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलता है A13 बायोनिक चिपसेट से। तो अभी भी जो लाइटनिंग कोर्स है वो काफी ज्यादा बेटर है कॉर्टेक्स के A77 वाले कोर्स से। तो यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ पर यही बताता है कि A13 बायोनिक अभी भी स्लो क्लॉक स्पीड पे है, कम क्लॉक स्पीड पे है, पर बेटर परफॉर्मेंस हमें देता है। एंड इवन यहाँ पर हमें सिर्फ 6 ही कोर्स मिलते हैं, एंड 6 कोर्स में काफी ज्यादा अच्छे से ये परफॉर्मेंस हमें दे देता है। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो यहाँ पर हमें A13 बायोनिक में क्वाड कोर GPU मिलता है, यहाँ पर हमें 4 कोर्स मिलते हैं बेसिकली। ऑन दी अदर एंड यहाँ पर 865 प्लस में हमें Adreno 650 मिल जाता है, एंड यहाँ पर साइड बाय साइड कंपेयर करने पे ये कहा नहीं जा सकता कौन सा बेटर, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही हेड बाय हेड कंपीट करते हैं, दोनों ही काफी अच्छे GPU है, यहाँ पर दोनों को मैं लगभग इक्वल मान सकता हूँ। हो सकता है कि 865 प्लस स्लाइटली काफी ज्यादा स्लाइट मार्जिन से बेटर निकल के आए, बट नॉर्मली यहाँ पर रियल लाइफ में आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU, GPU, मेम एंड UX कोर की, तो CPU में 865 प्लस काफी ज्यादा हद तक बेटर स्कोर करता है, यहाँ पर GPU में अगेन 865 प्लस काफी ज्यादा बेटर स्कोर करता है, यहाँ पर मेम में भी अगेन 865 प्लस काफी ज्यादा बेटर स्कोर करता है, एंड यहाँ पर अगेन UX में भी 865 प्लस काफी ज्यादा बेटर स्कोर करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल अगर हम बात करते हैं वीडियो कंक्लूजन की, तो यहाँ पर स्पेक्स के मामले में एंड नॉर्मल यहाँ पर ऑन पेपर परफॉर्मेंस के मामले में या फिर ऑन पेपर स्कोर्स के मामले में 865 प्लस काफी ज्यादा अच्छा देखने को लगता है, बट यहाँ पर रियल लाइफ में A13 बायोनिक चिप काफी ज्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे चिपसेट हैं, दोनों को कंपेयर करना मतलब 19-20 का फासला तय करना, बिकॉज यहाँ पर दोनों में काफी ज्यादा स्लाइटली मार्जिन से एक बेटर है एक कम बेटर है, जो कि रियल लाइफ में आपको काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ा बहुत जो है फर्क देने को मिलेगा। रियल लाइफ में यहाँ पर आप उतना टेस्टिंग नहीं कर सकते, एंड इवन अगर आप करते भी हो तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ले सकते हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी उतने एक्सट्रीम टास्क की। तो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आपके लिए वीडियो को समराइज कर देता हूँ, यहाँ पर A13 बायोनिक चिपसेट बेटर है फैब्रिकेशन में,
यहाँ पर 865 प्लस बेटर है AI के मामले में, यहाँ पर ISP के मामले में बेटर है A13 बायोनिक चिपसेट, तो यहाँ पर वीडियोग्राफी के मामले में एंड मॉडेम के मामले में बेटर है 865 प्लस। बाकी यहाँ पर CPU एंड GPU आप दोनों को 19-20 मान सकते हो, दोनों जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक हमें इक्वल मिल जाती है। बाकी अभी वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा अफोर्ड करना चाहते हो, कौन सा आप लेना चाहते हो, या फिर आपको कौन सा लेना पसंद आएगा आपके डे टू डे लाइफ में। बाकी इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।